मेरे प्यारे वीएलई भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं हरीश ओबराय, सीएससी हेड ऑफिस से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको फास्टैग के बारे में हाल फिलहाल में किए गए कुछ अनिवार्य दिशा निर्देश के बारे में बताना चाहूंगा। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद सभी नेशनल हाईवे पर कैश पूर्णता निष्कासित कर दिया जाएगा, जिस कारण सिर्फ फास्टैग से ही भुगतान किया जाएगा। फास्टैग ना होने की परिस्थिति में कस्टमर को डबल भुगतान करना होगा, जो कि चालान के रूप में उससे लिया जाएगा। जो वीएलई भाई बहन भाई नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फास्टैग एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो गाड़ी पर लगा दिया जाता है, जिससे कैशलेस टोल पे किया जा सकता है। आज हम लोग IHMCL का फास्टैग वितरण भी शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज तक हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक और इक्विटास बैंक एंड पेटीएम के साथ काम कर रहे थे और आने वाले दिनों में हम कोटेक बैंक को भी लाइव करेंगे। अब मैं आप सब लोगों के साथ जो हमारा NHAI का टैग है उसके ऑर्डर एंड इश्यूएंस के बारे में बात करूंगा। NHAI का जो टैग है उसके काफी सारे फायदे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये एक न्यूट्रल टैग होता है जिसके लिए कस्टमर अपनी इच्छा से बैंक चुन सकता है। इसके लिए कोई कागजी कार्यवाही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कस्टमर के अकाउंट से लिंक किया जाता है। कस्टमर रेट सिर्फ 100 रुपए है, इसलिए ये सबसे सस्ता टैग है कस्टमर के लिए। आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको 50 रुपए तक का कमीशन दिया जाता है। साथ ही साथ इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ही सरल है, जो कि 20 से 30 सेकंड के अंदर कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए ये हर लिहाज से अगर आप देखें तो कस्टमर के लिए भी फायदे का है और वीएलई के लिए भी। अब मैं आगे इसके टैग ऑर्डर करने और इश्यूएंस कैसे किया करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं और फास्टैग सेलेक्ट करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करें, अदरवाइज आप लॉगिन करके सीधा फास्टैग ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अपना पता पूरी तरह सही डालें, ताकि आपका टैग आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। रजिस्ट्रेशन के बाद आप IHMCL मेन्यू को सिलेक्ट करके जो भी आपको क्वांटिटी चाहिए आप उसका भुगतान सीएससी वॉलेट से कर सकते हैं। भुगतान करने के एक दिन के बाद आपका टैग सीएससी हेड ऑफिस से डिस्पैच कर दिया जाता है और उसकी डिटेल आपके मेल आईडी पर भेज दी जाती है। अब आपको जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है, IHMCL POS गूगल स्टोर या फिर आप हमारे हेल्प डेस्क एंड ट्रेनिंग सेक्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन करना है। यदि आप पहली बार फास्टैग खरीद रहे हैं NHAI का, तो आपका आईडी और पासवर्ड बनने में एक दिन का समय लगता है। आईडी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रहेगा एंड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में मेन्यू से टैग रिक्वेस्ट पर जाकर क्लिक करें और उसके बाद सीएससी एज टैग मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो क्वांटिटी आपने डिजिटल सेवा से ली है उतनी ही क्वांटिटी और उस कैटेगरी का टैग यहां पर डालें, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। इसके बाद कंटिन्यू करें। रजिस्ट्रेशन आईडी में सीएससी आईडी, बैंक में सीएससी डालकर एंड आप ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर करने के बाद टैग रिक्वेस्ट में जाकर आप अपना ऑर्डर चेक भी कर सकते हैं। जैसा ही टैग आपको प्राप्त होता है, आप दोबारा मोबाइल से लॉगिन करें। आगे हम टैग के इश्यूएंस के बारे में बात करेंगे। जैसे ही टैग आपको प्राप्त होता है, आप दोबारा IHMCL के POS एप्लीकेशन में अपना क्रेडेंशियल डालकर लॉगिन करें और उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप उसके बाद जो गाड़ी पर टैग लगाना चाहते हैं उस टैग को स्कैन करें। इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद कस्टमर से OTP वैलिडेट करवा दें। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं, व्हीकल नंबर एंड चेसिस नंबर डालकर आप RC की फ्रंट एंड बैक साइड की फोटो अपलोड करें। आपका काम पूर्ण हो चुका है, यानी कि अब आप कस्टमर की गाड़ी पर टैग लगा सकते हैं। इसके बाद कस्टमर को अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब कस्टमर को माई फास्टैग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोले। इसके बाद कस्टमर अपना जिस बैंक से लिंक करना चाहता है उस बैंक के लिए पेमेंट पर सिलेक्ट करें एंड उस जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके बाद RC नंबर डालें
और इसके बाद कस्टमर अपना बैंक की इच्छा अनुसार उस बैंक के साथ लिंक कर सकता है। किया के बाद टैग पूर्णता रजिस्ट्रेशन हो चुका है, गाड़ी टोल पर जा सकती है और टोल का भुगतान किया जा सकता है। कुछ जरूरी बातें जो इसके बारे में ध्यान रखें सभी लोग, डिजिटल सेवा पर ऑर्डर करने के बाद IHMCL POS एप्लीकेशन में ऑर्डर करना अनिवार्य है। ऑर्डर करते समय क्वांटिटी सही डालें, टैग मैन्युफैक्चरर में CSE ही का ही चयन करें एंड ध्यान रहे कस्टमर रजिस्ट्रेशन ₹100 नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से फिक्स किया गया है, तो आप ओवरचार्ज ना करें अन्यथा आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। रिचार्ज के लिए आप BBPS जो CSE के पोर्टल में ही है उस सर्विस का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज करें। लास्ट एंड सबसे जरूरी बात, जितने भी टैग आपके पास हैं, क्योंकि आज सब लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द टैग का बिक्री करें। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं टोल प्लाजा पर काम करना तो स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम के संपर्क करें, और यदि आप अन्य किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो आप हमें fastag@csc.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।